आप भी इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे, यानी रील आप देखते ही होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है इंस्टाग्राम रील को जो है यूट्यूब पे अपलोड करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि आप जो इंस्टाग्राम का रील जो है यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उससे अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो, वो भी कम टाइम में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है कर पाएंगे। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिसके आप वो सिर्फ क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट करके जो अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये एक चैनल है जिसका जो नाम है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे साइड बाई आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप जाओगे यूट्यूब पे जाने के बाद में आप जो है सर्च करोगे राजा रिएक्शन, आप राजा रिएक्शन जो है चैनल अगर आप सर्च करोगे तो ये जो चैनल आपको आ रहा है, इस चैनल पे आप जाओगे तो आप जो है वीडियो देखोगे तो इस तरीके का ये वीडियो जो है अपलोड करते हैं। यानी आपको जो है क्या करना है, सिर्फ रिएक्शन देना है और रिएक्शन देके आपको जो है अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। ये मैंने इनका चैनल दिखा दिया, अब आपको दिखाता हूँ इनका अर्निंग प्रूफ। ठीक है, तो अर्निंग प्रूफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम में जाइए और जो है सोशल ब्लेंड एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे जो अर्निंग है यूट्यूब के फेसबुक के दिखाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका चैनल जो है मैं सोशल ब्लेंड पे डाला तो देखा, यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा खासा अर्निंग जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छी तरीके से, आप समझ लो और इससे खासा अर्निंग आप कर सकते हो। सब्सक्राइबर बेस भी अच्छा खासा है इनका और व्यूज भी अच्छा खासा आता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन वाले वीडियो आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए, 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। आप अगर समझ गए इस चीज को तो थोड़ा सा मेहनत करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका अर्निंग प्रूफ, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको चलता हूं, दिखाता हूं आपको इंस्टाग्राम से किस तरीके से आपको रील को जो है डाउनलोड करना है, कैसे एडिट करना है और फिर आप जो है अपने चैनल पे एडिट करके डालना है। ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप जो इंस्टाग्राम चलाते होंगे वैसे नॉर्मली आप इंस्टाग्राम पे जाइए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से आप जो है रील सेक्शन में आप जा सकते हैं। वहां से जो है जो आपको रिएक्शन वाला जो है चैनल होगा, यानी जो रील होगा जिसपे थोड़ा व्यूज अच्छा खासा आता होगा, वही वाला आपको वीडियो लेना है। यानी जो इसपे थोड़ा लगता है आपको कि हाँ ये जो वीडियो अच्छा खासा चल रहा है ट्रेंडिंग में, उसी वीडियो को आपको कॉपी करना है। लिंक यहाँ से आप करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मैंने जो है कुछ जो है वीडियो यहाँ पे कर रखा है डाउनलोड, तो उसी पे मैं आपको बता के दिखाऊंगा किस तरीके से मैं जो है काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गया और उसके बाद में यहाँ पे गया और जो मैंने वीडियो सेव कर रखा है उस वीडियो में जो है डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। लाइक ये जो है वीडियो मैंने जो है देखा और इसको यहाँ पे गया और उसके बाद में जो है यहाँ पे गया और इसको जो है लिंक को कॉपी करा। अब इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद में आपको मैं जाऊंगा गूगल क्रोम में। अब गूगल क्रोम में जाने के बाद में न्यू टैब ओपन करूंगा, न्यू टैब में जो है यहाँ पे आपको लिख देना है कुछ रील डाउनलोडर लिख देना है या IGTV डाउनलोडर लिख देना, कुछ भी लिख दोगे आप आ जाएगा। रील्स डाउनलोड आप यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, वही जो आपने लिंक कॉपी करा यहाँ पे पेस्ट करना है, डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, ये वीडियो जो है रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हो ये वीडियो रेडी हो गया और उसके बाद में आपको जो है इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ये वीडियो आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं कहा हूँ लेकिन अब कह रहा हूँ, प्लीज आप कर लो, एक लाइक करो और एक वीडियो आप बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट, उस पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल कैमरा आपको ओपन कर लेना है और उसके बाद में जो है नॉर्मल कैमरा ओपन करने के बाद में आपको फ्रंट कैमरा आपको ओपन कर लेना है और उसके बाद में आपको जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है रिएक्शन वाले, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ वो सारे आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये कैसे हुआ? ठीक है, इस तरीके से जो है आपको जो है रिएक्शन वाला जो वीडियो है वो आपको डाउनलोड मतलब बना लेना है। आपको कम से कम 1 मिनट या 60 सेकेंड 30 सेकेंड जो भी आप बना सकते हो, वीडियो को लेंथ के हिसाब से आपको
बना लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक जो है वीडियो एडिटिंग ऐप या सॉफ्टवेयर जो भी आप करते हैं वहां पे, उस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको बीएन से, तो बीएन पे जाना है और बीएन को जो है ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कर लेंगे इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा बीएन। और उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर वे में बता रहा हूँ, जैसे आपको तरीके से बता रहा हूँ, सारी ए टू जेड आपको बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से आपको ये करना है, इस तरीके से ये करना है, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद में न्यू प्रोजेक्ट पे आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो को पहले इसका लेंथ जो है लेना है, किस तरीके से लेंथ लोगे आप जो है मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको तरीके से काम आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस तरीके से जैसे मैं आपको यहाँ पे किया हूँ, इस तरीके से आपको जो है रिएक्ट करना है। रिएक्ट वाला वीडियो जो है ये मतलब पहले जो आप वीडियो डाउनलोड करोगे वो नीचे रहेगा और उसके ऊपर जो है आपको जो रिएक्शन वाला वीडियो है इस तरीके से आप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको चलना है। तो ये आपको रिएक्ट करना है इस पे जो वीडियो पे, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो है कट वगैरह करके जो है आप इसमें कुछ जो है इफेक्ट और भी आप ऐड कर सकते हो, जिससे वीडियो थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो देखने में और अच्छा लगेगा, तो उससे जो है आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बस उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पे ऊपर दिख रहा है एरो जैसा, उस पर आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में सेम जो वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये काम कर लेना है, और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है करके आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अगर आपको अच्छी तरीके से इसको जो है करना आ गया तो डेफिनेटली बहुत ही कम टाइम में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और मोनेटाइज हो जाएगा, तो डेफिनेटली इससे अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और भी यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, इंस्टाग्राम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, मनी रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देता रहता हूँ, तो और वीडियो देख पाएंगे और कहीं ना कहीं आप सीख पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लर्न करिए, अप्लाई करिए, ग्रो करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।